हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज लेआउट टैब में कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स देखेंगे जो कि हमें यूज़ करने आने चाहिए और हमें उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले ओपन करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। मैं 2010 वाला वेरिएंट यूज कर रहा हूँ, आप कोई भी यूज कर सकते हैं, सेम ही शॉर्टकट कीज रहेंगी। और सबसे पहले हम यूज करेंगे शॉर्टकट की, जैसे कि यहाँ पे हम शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम मेन्यू बार में जो है ऑल्ट की को प्रेस करके भी जा सकते हैं। तो पहले हम ऑल्ट की को प्रेस करके जाएंगे, ribbon tab, tab control, home tab selected off, home tab, insert tab, right arrow press karunga, page layout tab pe hum tab button ka use karenge, tab key ka, page layout tab, themes grouping, themes drop down button, grid sub menu, current up, sabse pehle theme ka option aata hai, ise hum skip karenge, colors drop down button, colors ko bhi skip karenge, fonts drop down button, sub menu, fonts ko bhi skip karenge, grid drop down button, grid sub menu, effects ko bhi, page setup grouping, margins drop down button, page setup, sabse pehle ye dekhenge, main wahi features consider karunga जो मेरे को इम्पोर्टेंट लग रहे हैं कि जो हमें पता होने चाहिए। तो सबसे पहले हमारा ये पेज सेटअप में मार्जिन, थीम्स फॉर पेज सेटअप ग्रुपिंग, मार्जिन्स ड्रॉप डाउन बटन, सब मेन्यू सेलेक्ट द मार्जिन साइजेस फॉर द एंटायर डॉक्यूमेंट और द कर्व। ठीक है, मार्जिन्स इस एक बार ही देख लेते हैं। इसमें एंटर करने के लिए हम स्पेस बार का यूज करेंगे, स्पेस प्रेस, मार्जिन लिस्ट, नॉर्मल टॉप 2 पॉइंट, तो यहाँ पे नॉर्मल, नैरो टॉप 1, नैरो, मॉडरेट टॉप 2, मॉडरेट, वाइड टॉप 2, वाइड। ठीक है, तो हमें नॉर्मल पे रखेंगे, मॉडरेट, नैरो टॉप, नॉर्मल टॉप 2। ठीक है, नॉर्मली सबको नॉर्मल पे ही रखा और बाय डिफॉल्ट ही नॉर्मल पे रहता है, तो मैं भी इसे नॉर्मल पे रखूंगा। कस्टम मार्जिन, तो आप कस्टम मार्जिन्स भी यूज कर सकते हैं इस मैं आपको एक चीज और बता दूं, इस ऑप्शन में आने के बाद हम डाउन एरो अप एरो से इसमें नेविगेट करेंगे। ठीक है, आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे कस्टम का भी ऑप्शन है, तो डाउन एरो करेंगे, ठीक है, नॉर्मल। अब इसका एक बार स्पेसिफिकेशन भी देख लेते हैं, नॉर्मल टॉप 2.54 cm बॉटम, 2.54 cm लेफ्ट, 2.54 cm राइट, 2.54 cm लेफ्ट, 2.54 cm राइट, 2.54 cm। ठीक है, 2.54 मतलब 2.54 सेंटीमीटर, ठीक है, ये बता रहा है cm का मतलब। तो फ्रेंड्स, ये आपको ऐसे बता देगा, आप इसे अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं, ठीक है, 1.27 cm, ठीक है, नैरो में आ रहा है सारी तरफ, तो नॉर्मल रखेंगे। ठीक है, हम आप भी नॉर्मल रखिए, ये मैं आपको समझाने के लिए इतना इस ऑप्शन को डीपली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, नॉर्मल स्केप कर देंगे नॉर्मली, क्योंकि नॉर्मल भी है, तो टैब का यूज करेंगे, ओरिएंटेशन ड्रॉप डाउन बटन, सब मेन्यू, स्विच द पेजेस बिटवीन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप लेआउट्स, प्रेस F1 फॉर ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन भी हमें समझनी चाहिए, अगर हमें डॉक्यूमेंट जैसे कि पोर्ट्रेट मोड में रखना है तो पोर्ट्रेट मोड में भी हम रख सकते हैं, अदरवाइज हम जो है इसे लैंडस्केप मोड में भी स्विच कर सकते हैं। तो एक बार स्पेस क्लिक करेंगे इसमें ऑप्शन में जाने के लिए, प्रेस ओरिएंटेशन लिस्ट पोर्ट्रेट। ठीक है, अभी मेरी जो ओरिएंटेशन है वो पोर्ट्रेट है, तो डाउन एरो करूंगा, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट। ठीक है, ये दो ही ओरिएंटेशंस होती हैं जनरली। तो अगर आपको लैंडस्केप में रखना है तो आप जैसे कि लैंडस्केप पे करके डाउन एरो अप एरो का यूज करके इस पे एंटर कर देंगे, तो हमारी जो ओरिएंटेशन है वो लैंडस्केप में आ गई। अब जो भी हमारा पेपर प्रिंट होगा वो लैंडस्केप में लिखा हुआ आएगा। तो फ्रेंड्स, उसके बाद जो है हमारा एक बारी फिर दोबारा से पेज लेआउट टैब में जाएंगे, तो इस बार हम शॉर्टकट की का यूज करके जाएंगे, ओल्ड प्लस पी, ribbon tab, tab control, page layout tab, page layout tab, page layout colors drop box, effects group, page setup grouping, margin orientation drop down। ठीक है, orientation हमने देख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं, बोलेगा margin orientation drop down button, sub menu, switch the pages between portrait and landscape layouts, press F1 for more, help, alt, P, O। ठीक है, इसने शॉर्टकट की भी मैंने आपको इसके सुना दिया, alt, P, O है।
ठीक है, Alt plus P O. Size drop down button sub menu, choose a paper size for the current section. To apply a specific paper size to all sections in the document, click more paper sizes. Alt P S Z. ठीक है, इसमें हम paper size भी select कर सकते हैं. तो paper size पे भी एक बारी हम explain करता हूँ मैं आपको. Space bar क्लिक करके इसके अंदर जाएंगे. Space, crest, size list, letter 21 point. ठीक है, size list. Tabloid 27. Legal 21 point. Legal document. Executive 18.41 cmx, a 329.7 cmx, a 421 cmx 20. ठीक है, A4 जो legal documents है वो जैसे कोई legal work के लिए जो use किया जाता है, तो ये उसके लिए हम legal जो है. Executive legal 21.59 ठीक है, legal वाला जो इसमें size है वो select करेंगे. Letter के लिए भी है. Size list, letter 21.59 cmx. Letter बोल रहा है, I think ये letter के लिए ही है. More paper sizes, all. तो more paper sizes भी आप और भी मतलब कि paper sizes को explore कर सकते हैं. Size list. तो A4 पे सबसे पहले मैं इसे सिलेक्ट करूंगा. D5, D4, A4, 21 CMX, 29.7. ठीक है, A4, D4, A4, 21, एंटर कर देंगे. फिर दोबारा से कंट्रोल P करेंगे. हमें A4 पे सिलेक्ट कर लेना चाहिए वैसे ना. और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस जो जो मिलती हैं वो मैंने आपको दिखा दी है. ठीक है, तो मैं इसलिए आपको एक एक ऑप्शन में जाके एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि कौन कौन सी ऑप्शन होती है. ठीक है, उसके बाद साइज हो गया. उसके बाद फिर से टैब को क्लिक करेंगे. हाँ, ये जो ऑप्शन है ये भी ऑप्शन हमारे लिए बहुत यूजफुल है. जैसे कि हम किसी टेक्स्ट को अच्छा दिखाने के लिए, या फिर वैसे भी अगर कोई टेक्स्ट हमने लिखा है, पैराग्राफ लिखा है, तो अगर हम उसे कॉलम्स में डिवाइड करना चाहते हैं, जैसे कि आधा टेक्स्ट लेफ्ट में आए और आधा टेक्स्ट सेम लाइन का लेफ्ट राइट में आ जाए, लेफ्ट में आ जाए, टू कॉलम्स में बन के वो हमें दिखे, तो ये हम कॉलम का यूज़ करते हैं उसके लिए. जो है वो समझ आई हो. अगर आपको ये ऑप्शंस समझ आई हैं तो आज की इस वीडियो को आप लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना. और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले. थैंक यू.